तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड. अब हम देख रहे हैं क्राउट्स मेथड. तो क्राउट्स मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशंस में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमें गिवन इक्वेशंस है उसमें से हम ए एक्स और बी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में रहेगी. और ए इसमें से क्या होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. एक्स में क्या आता है, वेरिएबल्स, और बी में क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स. तो हम ए एक्स और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे गिवन एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन से. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन गिवन है, हमें क्राउट्स मेथड से इसे सॉल्व करना है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में. तो ए इसमें क्या हो जाता है, जो इनके साथ एक्स वाई जेड के साथ कोफिशियंट्स हैं वो ए हो जाएगी मैट्रिक्स. तो 2, 3, 1, 5, 1, 1, 3, 2, 4 ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी. और एक्स क्या हो जाएंगे, जो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स वाई जेड ये एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी, एक्स एरे हो जाएगी हमारी. और जो बी है वो जो यहाँ कॉन्स्टेंट्स गिवन है -1, 9, 11 ये हमारे बी हो जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है, हमें ए एक्स और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें से ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, एक्स जो है वो वेरिएबल्स हैं जो गिवन इक्वेशंस में गिवन है. एक्स वन एक्स वाई जेड दिया हुआ है, अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री गिवन होता तो ये वो होती. और जो कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू के बाद दिए हैं वो हमारी बी वैल्यू है. तो हमने ए एक्स और बी फाइंड कर लिया, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, एक्स वेरिएबल वेक्टर है और बी कॉन्स्टेंट्स थे. अब स्टेप टू में क्या करना है, लेट ए इक्वल्स टू एल यू. हमें ए को सपोज करना है कि वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल इंटू यू है. इसमें से एल क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे, लोअर साइड सिर्फ वैल्यूज हैं, अपर साइड जीरो हैं. तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो ये एल वन वन एलिमेंट होता है, ये एल टू वन, एल टू टू, एल थ्री वन, एल थ्री टू और एल थ्री थ्री, ये सारी वैल्यूज जीरो होंगी. तो एल को हम क्या मान रहे हैं कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. और यू क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपसाइड वैल्यूज होंगी. साथ ही साथ हम क्या इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो डायगोनल है उसकी वैल्यूज वन होंगी, डायगोनल को भी वन लेना है. तो यू एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है एंड डायगोनल एंट्रीज इक्वल्स टू क्या है, वन. तो ये वन है तो ये यू वन टू एंट्री होगी, ये यू वन थ्री, ये यू टू थ्री वैल्यू होगी. ठीक है, को हम मान लेंगे कि वो क्या है, इक्वल्स टू है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल इंटू यू. फिर इससे हम एल वन वन, एल टू वन, ये सारे एलिमेंट्स जो है इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें ए गिवन है. ए गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज विद दी हेल्प ऑफ ए इसको फाइंड आउट कर लेंगे. तो उससे हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी और यू की वैल्यू मिल जाएगी. तो जैसे हमने क्या किया, हमें यही क्वेश्चन गिवन था, हमने ए एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब हमें क्या फाइंड करना है, लेट ए इक्वल्स टू एल यू. तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू तो हमारी यही वाली है, यू हमारा क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगल में वैल्यूज होंगी. तो हम L11 नहीं लिख के, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा. हमने इसे क्या मान लिया, फर्स्ट एलिमेंट को A मान लिया, सेकंड को B, C, D, E, F, ये हमारी L मैट्रिक्स होगी. और U मैट्रिक्स क्या थी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो अपर वैल्यूज इसकी नॉन जीरो रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम डायगोनल को क्या ले रहे हैं, वन. तो ये डायगोनल वन है और बाकी वैल्यूज जी एच आई. तो ये हमारा हो गया एल और ये हो गया यू. अब इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एलिमेंट क्या आएगा, ए, ये वाला एलिमेंट ए आ जाएगा. फिर सेकंड एलिमेंट इस साइड का, सेकंड एलिमेंट जो रिजल्ट इन मैट्रिक्स होगा उसका सेकंड एलिमेंट कैसे होगा, इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू जी, और ये प्लस जीरो जीरो हो जाएंगे तो सिर्फ ए जी बचेगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए इस रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एच, तो वैल्यू आ जाएगी ए एच. फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो बी आ जाएगी वैल्यू, बाकी जीरो हो जाएंगे. नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी जी प्लस सी, तो ये वाला एलिमेंट आ गया बी जी प्लस सी. नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी एच प्लस सी आई, तो बी एच प्लस सी आई. फिर नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी, तो ये वाला एलिमेंट डी आ जाएगा. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाली रो
सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो dg प्लस ई, तो नेक्स्ट एलिमेंट dg प्लस ई हो जाएगा, और ये वाला नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dh प्लस ei प्लस f, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल ली, फाइंड आउट कर ली। तो क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वलेंट है, इक्वल्स टू साइन लगा है, यानी कि ये जो वैल्यूज होंगी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये इक्वल होंगी, तो ये टू जो है वो ए और टू दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। थ्री और ए जी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो ए जी इक्वल्स टू थ्री करेंगे तो हम इसकी ए की वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ए एच इक्वल्स टू क्या होगा वन के इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो एच की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइव, बी जी प्लस सी इक्वल्स टू वन, एंड पी एच प्लस सी आई इक्वल्स टू वन, डी इक्वल्स टू थ्री, डी जी प्लस ई इक्वल्स टू टू, डी एच प्लस ई आई प्लस एफ इक्वल्स टू फोर। तो इस टाइप से जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको इन सारे वेरिएबल्स की ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सबकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, इनको आप सॉल्व करते जाना पुट करके तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एल मैट्रिक्स में क्या था ए बी सी डी ई एफ, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली टू, बी की फाइव, सी की माइनस थर्टीन बाय टू, डी की वैल्यू है फाइव, ई की वैल्यू है माइनस फाइव बाय टू, और एफ की वैल्यू है फोर्टी बाय थ्री। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ है, इन जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए हैं इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमें एल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ऐसे ही जी एच आई की वैल्यूज जो आई हैं इसको इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमें यू मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या मिल गया, एल मैट्रिक्स मिल गई और यू मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली। हमने ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट की और जी एच आई की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट की, तो हमें ये दोनों मैट्रिक्स मिल गई। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ए एक्स बी देखा, फिर सेकेंड स्टेप में हमने ए इक्वल्स टू एल यू किया, थर्ड स्टेप में सॉल्व एल वाई इक्वल्स टू बी। अब आपको क्या सॉल्व करना है, एल वाई इक्वल्स टू बी सॉल्व करना है। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि ए एक्स इक्वल्स टू बी है गिवन इक्वेशन से, और हमने क्या ऐड कर दिया ए इक्वल्स टू एल यू है। तो अब इस ए की जगह अगर आप एल यू सब्सिट्यूट करते हो तो ये क्या बन जाएगा, एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। एल यू एक्स इक्वल्स टू बी तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इस यू एक्स को क्या मान लेंगे, वाई के इक्वल। तो हमने लेट ले लिया वाई यू एक्स इक्वल्स टू वाई, तो बचा क्या एल वाई इक्वल्स टू बी। तो हम पहले एल वाई इक्वल्स टू बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले हमने ए इक्वल्स टू एल यू कैलकुलेट किया, इससे हमें एल और यू मिल गया, फिर हम एल वाई इक्वल्स टू बी कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप में। इसमें हमें एल नोन है, सेकेंड स्टेप से हमें एल की वैल्यूज मिल गई थी, बी हमें गिवन क्वेश्चन में ही है, अब हम वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो वाई की वैल्यूज निकालने के बाद कैसे निकालेंगे हम न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। तो हमने प्रीवियस स्टेप में एल और यू निकाल लिया, अब हम एल वाई इक्वल्स टू बी निकालेंगे। एल की वैल्यू हमें ये मैट्रिक्स मिल गई है, वाई क्या है वाई वन वाई टू वाई थ्री, और बी हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस वन नाइन और इलेवन। बी हमारा था माइनस वन नाइन और इलेवन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, टू वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन, फाइव वाई वन माइनस थर्टीन बाय टू वाई टू इक्वल्स टू नाइन, और थ्री वाई वन माइनस फिफ्टीन बाय टू वाई टू प्लस फोर्टी बाय थ्री वाई थ्री इक्वल्स टू इलेवन। तो ये तीन इक्वेशंस बन गई, इसमें हमें वाई वन की वैल्यू मिल गई। तो वाई वन की वैल्यू मिल गई तो हम फॉरवर्ड सब्सिट्यूशन यूज करके, यानी वाई वन की वैल्यू नेक्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये फॉरवर्ड सब्सिट्यूशन है। तो नेक्स्ट वाई वन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वाई टू की वैल्यू मिल जाएगी, और वाई वन और वाई टू की वैल्यू जब इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें वाई थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल, वाई वन इक्वल्स टू क्या मिल गया माइनस वन बाय टू, इसको हम टू इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें वाई टू की वैल्यू मिल गई माइनस ट्वेंटी थ्री बाय थर्टीन। फिर हम इस वाई वन और वाई टू की वैल्यू इक्वेशन थ्री में सब्सिट्यूट करेंगे इस वाले में, ये इलेवन है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको y3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें y1 की वैल्यू मिल गई माइनस वन बाय टू, y2 की वैल्यू मिल गई माइनस ट्वेंटी थ्री बाय थ्री,
और y3 की वैल्यू मिल गई 21/8। तो हमने स्टेप 3 में ly इक्वल्स टू b से y, हमें ये पता था y की वैल्यू पता थी, b की वैल्यू पता थी, हमने y निकाल लिया, y1 y2 y3 हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अब क्योंकि हमने लेट क्या लिया था ux इक्वल्स टू y, तो ux इक्वल्स टू y भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ux इक्वल्स टू y कैलकुलेट करेंगे, u हमें पता है, इस स्टेप से हमने u की वैल्यू निकाल ली थी, y की वैल्यू इस स्टेप से हमने निकाल ली, और x बचा है, तो x जो हमारा क्या है, x हमारा है x y और z की वैल्यू, तो हमें x y और z की वैल्यू मिल जाएगी इस स्टेप से, और इसमें कौन सा यूज होगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना होगा u x इक्वल्स टू y, तो u हमने निकाल लिया था a इक्वल्स टू वैल्यू यूज करके, x हमारा है x y z जो क्वेश्चन में गिवन है, और y हमने निकाल लिया है y1 की वैल्यू -1/2 y2, और y2 की वैल्यू थी -23/13 और y3 की वैल्यू थी 21/8। तो इसको वापस इक्वेशन फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y2 x प्लस 3/2y प्लस 1/2z इक्वल्स टू -1/2, और ये हो जाएगा y प्लस 3/13z इक्वल्स टू -23/13, और ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 21/8। तो z की वैल्यू मिल गई हमें 21/8। अब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, यानी जो z की वैल्यू आई है पहले 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू, और y और z की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बैकवर्ड है, जबकि वो पिछला वाला क्या था, फॉरवर्ड था। फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू आई थी उसे सेकंड में फिर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ जो थर्ड की वैल्यू आई उसे सेकंड में फिर वन में कर रहे हैं। तो आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करोगे तो z की वैल्यू 2.625 आएगी, y की वैल्यू -2.375 आएगी, और x की वैल्यू 1.75 आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया। पहले हमने गिवन इक्वेशन से ax और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर हमने a इक्वल्स टू एल यू फाइंड किया, जिसमें l क्या था, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स थी, और u क्या थी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स थी, और जिसका डायगोनल क्या था, 1। इस टाइप से थी, l थी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और u थी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यू क्या थी, 1। तो हमने ये l u फाइंड कर लिया, फिर हमने क्या किया, एल वाई इक्वल्स टू बी कैलकुलेट किया, जिसमें हमें l यहां से मिल चुका था, b हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हमें y की वैल्यूज मिल गई। जो y की वैल्यूज मिली है उससे हम क्या निकालेंगे, ux इक्वल्स टू y, ux इक्वल्स टू y में u हमें यहाँ से गिवन है, x y हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें a इक्वल्स टू lu करना पड़ा, सेकेंड में ly इक्वल्स टू b, और थर्ड में ux इक्वल्स टू y, और हमें आंसर मिल जाएगा।